चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की एक इंटरव्यू के दौरान दी गई भविष्यवाणी काफी चर्चा में है, जिसमें वह कह रहे हैं बीजेपी 4 जून को 2019 से बेहतर प्रदर्शन करते हुए 303 सीट से भी ज्यादा सीटें हासिल कर लेगी। इसके पीछे उन्होंने कारण बताते हुए कहा था कि पीएम मोदी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर नहीं है। प्रशांत किशोर के इस बयान पर चर्चा के बीच अब एक प्रमुख अमेरिकन पॉलिटिकल एनालिस्ट इयान ब्रेमर ने भविष्यवाणी की है कि सत्ताधारी दल यानी बीजेपी अपनी अब तक के चुनाव में इस बार सबसे ज्यादा सीटें हासिल करेगी। प्रशांत किशोर ने एक निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू के दौरान कहा था पीएम मोदी की बीजेपी सत्ता में बनी रहेगी, या तो उनके नंबर पिछली बार की तरह ही रहेंगे या फिर थोड़ा बेहतर भी हो सकते हैं। उन्होंने कहा था पीएम मोदी के खिलाफ लोगों में किसी तरह की नाराजगी नजर नहीं आती है। मौजूदा लोकसभा चुनाव की भविष्यवाणी के बारे में पूछे जाने पर पॉलिटिकल एनालिसिस इयान ब्रेमर ने एक निजी चैनल में अपना नजरिया बताते हुए कहा कि बीजेपी 295 से 315 सीटें जीत सकती है। बीजेपी 2014 में 282 सीटों के साथ सत्ता में आई थी, उनके गठबंधन ने कुल 336 सीटें जीती थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 303 सीटें जीती थी और एनडीए ने 350 का आंकड़ा पार कर लिया था। बीजेपी के नेता लगातार 400 पार सीट आने की बात कर रहे हैं। इयान ब्रेमर ने कहा काफी मजबूत आर्थिक प्रदर्शन और लगातार सुधार के दम पर मोदी लगभग निश्चित रूप से तीसरा कार्यकाल जीतने जा रहे हैं। इयान ब्रेमर ने कहा कि भारत अगले साल तक दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था बन सकता है और यह काफी बड़ी बात है।